सस्ता 5 हज़ार कम करूंगा, 5 और 10 15 वो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, हम तो पीछे हटेंगे। हाँ तो सर घबराओ नहीं, थोड़ा जोर से बोल। बिलाल का अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि हम अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ये कौन सी मंडी लगती है बेटे? ये बिलाल कॉलोनी। बिलाल कॉलोनी नहीं, बिलाल कॉलोनी तो पीछे, ये बिलाल कॉलोनी में है, बिलाल कॉलोनी है। अच्छा, ये कितने दांत जानवर है? आप बताओ भाई, ये कितने दांत है? दो दांत है। कितने मांग रहे उसके? डेढ़। क्या करोगे आखिरी? घबराओ नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, घबराओगे तो फायदा नहीं, आवाज़ नहीं निकलेगी, सही बात है ना। अब बोलो कितने मांग रहे हो, आखिर कितना हो जाएगा? 1.40। अभी 1.30 तो बोला तुमने। 1.40। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इधर गाइस, मैं आपको ये दिखाता चलूँ, जानवर दिखाऊँ सबसे पहले, ठीक है? कि माशाल्लाह से जाहिर कैसा है, अच्छा है, ये दिखाऊँ मैं आपको कि किस हिसाब से, ये देखें जिस तरह से मैं आपको जानवर दिखा रहा हूँ, ठीक है? कई तरह से आपको दिखाता रहूँगा तो ज़्यादा से अच्छा लगेगा इस बच्चों का। थोड़ा ज़ोर से बोलना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, सबसे पहले तो ये बताइए जगह कौन सी है ताकि लोग यहाँ पे आएँ? हम घोटकी से आए भाई जान। नहीं, ये जगह कौन सी है जहाँ पे आप खड़े हैं? बिलाल कॉलोनी। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपके जानवर कौन कौन से हैं? सारे। अच्छा, अब ये वाला बताइए जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ये कितने दांत है? 1.40 मांग रहा हूँ, डिमांड 1.40 है। कितने दांत है? चार दांत है। अच्छा, और इसके साथ वाला ये? ये पक्का खीरा है बाबा। पक्का खीरा? हाँ। ये तो फिर वो नहीं होगा, ये जायज 2.5 साल का पूरा दांत गिर रहे हैं। नहीं, अक्सर लोग करते हैं ना कि नहीं ये वाली चीज़ नहीं, तो इस वजह से, ठीक है? अच्छा, ये बताइए ये वाला? ये 2 दांत है बाबा। 2 दांत है? हाँ। अच्छा गाइस, मैं ये दिखाता चलूँ आपको कि ये देखिए माशाल्लाह कैसा है, क्या है, ठीक है? अच्छा, इसका क्या मांग रहे हो आप? 90 मांग रहा बाबा। दोगे कितने का आखिरी, ये बताओ? बस 1.80 का होगा। 1.80 का होगा, इससे कम नहीं होगा? कुछ कम। देखो हमारी, तुम ये जब वीडियो देखोगे ना तो पता चलेगा कि कहाँ पे कितने का है। लोग आजकल जो है ना, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि तो घूमे, वो फोन वीडियो पे देखते हैं, सस्ता जहाँ पे जानवर है वहाँ मंडी में जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए आप करेंगे जो आप नहीं, अब फर्स्ट करो मैं ही लेने आया हूँ, अगर मैं 1.50 बोलूँगा तो आप दोगे नहीं दोगे? नहीं भाई। कितने में दोगे? बस 70 होगा आखिरी। 55 में भी नहीं होगा? नहीं होगा। 60 में? नहीं। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, वही रेट बोलो जो हो, ठीक है? अच्छा जी, ये कितने दांत है? ये 2 दांत है जनाब। अच्छा, क्या मांग रहे हो इसका? इसकी 1.90 मांग रहे हैं। अच्छा, क्या दोगे? माशाल्लाह 1.60 बोल के हमने नहीं दिया है। फिर क्यों नहीं दे रहे? बस रेट कम मिल रहा है, चारे किराए बहुत महंगे, इसी की वजह से। लेकिन यार इतने का 1.60 या ये तक चीज बहुत अच्छी है माशाल्लाह। नहीं, वो सही है, अगर तुम उधर देखो, दूसरी मंडियों में देखो, अभी हमारी जो वीडियो देखो, तो ये जानवर तुम्हें आराम से 1.30-1.40 का मिल रहा है। नहीं, 1.30 का मिलेगा। देखो मेरी कॉलोनी का भाई, आप ये मेरा चैनल है ना, आप अभी सर्च करके देखो कितने का मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक कि मैंने 45,000 तक की गाय निकाल के दिखाई है लोगों को, तो इसलिए ये है कि जहाँ तक ये नहीं सोचो कि हमें, मुझे नहीं खरीदना, ठीक है? नहीं, एक होता है ना कि जैसे भाई इनको तो नहीं खरीदना, जो आएगा उसको कम कर देंगे, तो उसके लिहाज से सोचो जिसको देना है, ताकि लोग देखें इधर इधर आए। बस माशाल्लाह ये 1.60 तक दे, नहीं दिया 1.65 तक दे देंगे 70। अच्छा, ये इसको वहाँ से चला के लेकर आओ, थोड़ा सा भगाते हुए लेकर आओ, या उधर भगाओ। चल बाबा, चल चल, ठीक है? इसको पीछे से भगाते हुए लेके आना। उधर देखो, तुम्हारी उधर आएगी जी गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं जानवर को, ठीक है? चल अच्छी बात है। ये देखें सारे के सारे बच्चे खड़े हुए हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है? आप इकट्ठे हो जाओ, एक सारे बच्चे एक साथ। हाँ भाई, आ गया आ गया। हाँ भाई, ये जो जानवर है आपका लाल वाला, ये कितने का है? ये वाला 3.5 लाख। और कितने दांत है? 2 दांत। ये देखें गाइस, जैसे कि मैं आपको जानवर दिखाऊं, ठीक है? ये वाला भाई, ये गाइस मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ के लिए तो अच्छा, अब ये पकड़ो भाई। ये बताओ कि ये आप कौन सी जगह से आए हो?
बिलाल कोरंगी। नहीं तो बिलाल कॉलोनी आप रांची के कौन से शहर से और सिंध के कौन से शहर से हैं? गोट की जाएं, गोट की से, गोट की से कितने खानपुर मार से, गोट खानपुर मार से कितने जानवर लेकर आए हो? मैं 45। अच्छा कितने बिक गए अभी तक? अभी एक भी नहीं बिका है, कल उतरे हैं। कल उतरे यहाँ पे लोगों का रश है या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल रश है। किस टाइम होता है, सुबह के टाइम या रात के टाइम? टाइम भी होता है, रात के टाइम भी होता है। अच्छा हाँ जी, चल अच्छी बात है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई, कोई बातचीत बनी कौन सा जानवर खरीद रहे हैं? बातचीत अभी तो नहीं बनी है, बन जाएगी। कौन सा जानवर देख रहे हैं आप? ये लाल वाला देख जी। गाइस मैं आया सबसे पहले तो आपको जानवर दिखाऊं कि कैसा है क्या है, ठीक है? माशाल्लाह अच्छा जानवर है, ठीक है ये देखें। अच्छा अब बताइए आप क्या मांग रहे हैं? अच्छा साथ साथ हो जाए ऐसे ना। 220 मांग रहे हैं चाचू, सीधी सीधी लेने और बात कर रहे हैं। नहीं इसको पकड़े नहीं, 220। और आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा। 1.5 लाख का मिलना चाहिए, 1.5 लाख का। 1.5 लाख तक का ज़ाहिर है, आप अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन अब बात करेंगे तो ज़ाहिर सौदा बनेगा। सौदा हमारा भाई का नहीं बनेगा सर। क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं, बहुत मुसाफला है भाई। तो वो आप दूर करोगे ना, वो भी तो खड़े में दूर करने के लिए है। वो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, हम तो पीछे हटेंगे। हाँ तो साई होता ही है, हर जगह यही होता है। ये साई वालों की, ये पठानों वाली बात। कोई भी हो बंदा, आप इनकी जगह होगे आप भी यही बात करोगे? सही बात है। थोड़ा ये थोड़ी सोचोगे, क्या हर कोई सोचता है यार। सही बात, अगर आप 220 बोला है ना आपने, आपका दिल करेगा मैं 230 का बिक जाए, मेरा 240 का बिक जाए। एक जगह पे तो है ना, मेरे से कुछ मांगे। सही बात है सर। नहीं हर किसी को होता है कि मुझे ज्यादा मिले, लेकिन हम जो खरीदने वाले हैं हम सोचते हैं कम से कम में मिले। हमें बता दो आप ये फाइनल कितने कम में दोगे? 5,000 कम दे दो, तुम्हारी तो जा चुकी है। 5,000 से तो गोदी नहीं फटेगी। क्यों नहीं फिट हो जाएगी? चीज़ अच्छी है माशाल्लाह, खूबसूरत है, लाल कलर का है। चीज़ अच्छी है तो इसलिए हम लेने भी आए हैं। दूसरे 270 मांग रहे हैं बाबा, चोटी डाली वाले इज्जत की बात भी। 270 मांग रहे हैं, पीछे हो जाए, ये गाय तंग कर रही है ना। हाँ चीज़ भी है ना माशाल्लाह, खूबसूरत है। नहीं है तो उन्होंने भी तो पैसे लगाए। नहीं हमने कुछ भी नहीं लगाए। नहीं आपने कितने पैसे लगाए? हमने 1.5 लाख। हाँ तो पैसे लगाए ना, ऐसा होता ना कि इन्होंने बिल्कुल नहीं लगाए होते या 70-75 बोला होता फिर बात। बकरा नहीं मिलता है आजकल, महंगाई का दौर है। किसने का बकरा नहीं मिलता? 1.5 लाख का बकरा नहीं मिलता, महंगाई का दौर। 1.5 लाख रुपए का? हाँ अरे अच्छी बात है, सीधी बात है। 2,000 रुपए किलो है बकरे का। चलो तुम अपनी जगह सही हो भाई, मैं क्या बोलूँ। हाँ बोलने की जगह नहीं बनी है। नहीं अब अगर मैं तुम्हें अभी दिखा दूँ, 100 रुपए का किलो बकरे का, 1100 वाला टाइम चला गया। ये कुर्बानी का जानवर है, किलो बकरे का गोश्त है, ये कुर्बानी का जानवर है। अच्छा गाय का गोश्त बताओ, गाय का गोश्त क्या किलो होगा? बोलते मंडी में गाय का गोश्त क्या किलो होगा? 1,000 रुपए किलो चला है अभी, 350 रुपए को रंगी टाउन में खुले आम मिल रहे हैं। तो बकरे है बजो, 350 रुपए आपने भी देखा होगा। गाय का नहीं मिलेगा रंगी टाउन में, सुन लो रंगी टाउन में 350 रुपए किलो गाय का बछड़े का गोश्त। नहीं बात गोश्त की हो रही है, गोश्त की थोड़े हो रही है, कुर्बानी का जानवर है। अच्छी बात है, कुर्बानी में ये नहीं देखा जाता, पैसे नहीं देखे जाते, पैसे नहीं देखे जाते। गोश्त की आपने बात की थी, गोश्त इतना किलो, इन्होंने गोश्त की बात नहीं की, इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अपनी देख लो जहाँ तक हो सकती है गुंजाइश। नहीं बनेगा सर अपना सौदा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आप क्या चाह रहे हैं? हम बोल रहे हैं आखिरी हमारी दाम है 160 की। 160 का ऐसा जानवर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा यार, फिर बोलता है जानवर को देखो सही ना, अच्छी तरह देखो तो। चलो दिखाओ अच्छी बात है, खोल के दिखाओ, अच्छी तरह देख लो सर, लेके जाओ वहाँ तक पीछे, फिर वहाँ से लेकर आओ उधर, पता चलेगा फिर। जी गाइस जरा ये जानवर खोल के दिखा रहे हैं, अच्छी तरह देख लो। अगर ये सराबगढ़ मंडी में होता पूरा 3 का होता, सराबगढ़ मंडी में। हाँ 3 के 4 मिलते हैं। सही होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। असल में इस टाइम कोई जा ही नहीं रहा ना वहाँ पे सराबगढ़ में, दांतों में भी 2-4 भी नहीं, दांतों में 2 ऑमलेट ही ढूंढा है भाई, चॉकलेट ही नहीं, देख लो दांतों में 2-4 भी नहीं सर। चलें ठीक है, वो तो ज़्यादा आपकी अपनी चीज़ है, अपनी मर्जी है, आपके जितने भी कर सकते हैं है ना, तो ज़्यादा आपका भी अपनी एक रेंज होती है हर किसी के, और रेंज के अलावा अपने ये भी देखा जाता है कि चीज़ इतनी की है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं आपके जानवर कौन से हैं? अच्छा हटिए बेटा आगे से, ये बताइए कि ये जो आपका जानवर है जी जी है ना जी, ये कितने दांत है? 2 दांत। अच्छा ज़ोर से बोलिएगा माइक, 2 दांत है, 2 दांत। हाँ क्या मांग रहे हैं इसका? इसका 160 मांग रहा है। 160 अगर कोई लेने के लिए आता तो कहाँ तक करेंगे? वो तो बात बनाऊंगा। नहीं इस पे फोन में बता देना, कोई ये थोड़ी है, लोग ये देखेंगे कितना कम जानवर है, सस्ता। 5,000 कम करूंगा, 5 और 10-15 यानी कि आप 160 बोल रहे हो, यानी कि 120-125 तक हो जाएगा? नहीं नहीं इससे ऊपर हो जाएगा है ना, कितना ऊपर?
25 नहीं 30 हो जाएगा, 40 तो फिर मुश्किल है, 41 में होने को तो आपका अल्लाह ताला आपका शायद 2 लाख का भी भेज दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। हमारे भाइयों हमें खुशी होगी, लेकिन जो मंडी का रेट चल रहा है उसकी वाली बात हो रही है, ताकि हम लोग जो निकल रहे हैं अपने अपने घरों से सिर्फ मंडी को ही अपडेट करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा जानवर कितनी कितने का कहाँ पर मिल रहा है। ये बात है कि आपको भी घर बैठे आसानी हो रही है, और आप लोग को ये भी आसानी हो रही है कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं लोग देख रहे हैं तो आपकी मंडियों में आ रहे हैं, हम तो बना के चले जाते हैं एक दफ़ा, ठीक है, तो वो लोग जो है मंडियाँ देख के भी इस तरफ आ रहे हैं। चलें ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा और कोई सस्ता है आपके पास? छोटी रेंज वाला भी है। दिखाएं कहाँ है? आ जाएँ दिखाएँ। अच्छा ये कितने दांत है? ये 2 दांत है। 2 दांत क्या मांग रहे हैं इसका? इसका 1.5 मांग रहा हूँ। 1.5 इसको कहाँ तक हो जाएगा ये? 90-95 तक हो जाएगा। 70-75 तक नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इधर मेरा खरीदारी नहीं है। 80 तक हो जाएगा? नहीं, एक मैं बात जो है बनाने वाली करता हूँ, मैं भी वाली चीज़ कर रहा हूँ कि ज़रा सी बात है जो आप इसको हो सके तो वो बात अलग है कि अक्सर कोई खत लेने के लिए आता है तो ज़रूरी नहीं कि आपने 80 बोला तो 80। बंदा ही पहचानता हूँ जो अगर लेने वाला होता है सीधी बात करता हूँ, नहीं उसको ऊपर घूमने वाले को मैं खुद ही पहचानता हूँ। वो जा रहे उसको सीरियस नहीं होता ना, वो सोचता है कि आपने 10 बोला वो कहेगा मैं 2 लगा दो, ताकि उसको पता है कहीं आपने देना दो इसलिए कम बोल के वो निकल जाता है। अच्छी बात है आप लोग का कारोबार। अच्छा ये बताइए आप ये जानवर कौन सी जगह से लेकर आए हैं? मैं कश्मीर से लेकर आया हूँ। कश्मीर से? हाँ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर। तो किस दिन आप ये कितने दिन पहले लेकर आए? मेरे को तो 2 दिन पहले आ गए हैं, इधर आया। अच्छा अच्छा आप जब इधर आए तो आपको ये अंदाज़ा है कि और ट्रक आने वाले हैं? हाँ, कौन कौन से एरिया आपके कश्मीर से आने वाले हैं या दूसरे इलाकों से आने वाले हैं? दूसरे इलाके से भी आते हैं, कश्मीर से भी। नहीं आप आपस में जैसे बैठे हुए बातचीत करते होगे, हाँ, पता चलता होगा ना हाँ भाई इस गांव से भी लोग आने वाले हैं। मेरे इलाके से जानवर आए हैं कश्मीर से ही? हाँ कश्मीर से। अच्छा अच्छा ये जो आपने मुझे जानवर दिखाया है जी, ये कौन सी नस्ल का है? ये आम नस्ल होता है, नस्ली जो को अलग खूबसूरत नस्ल नहीं है, कम नस्ल जो है। जब तो इनके रेट कम है, अगर ये नस्ल दूसरी होती तो यही जानवर साहीवाल का खड़ा है। हाँ देखो ना साहीवाल का उसके रेट ही कुछ और होंगे। हाँ वो उसका 3 लाख मांग रहा हूँ। ज़ाहिर है ये देखो, हालांकि इसको इससे 3 गुना तो फालतू नहीं है, ज़्यादा डबल लगा लो, लेकिन कीमत उससे 3 गुना फालतू है क्योंकि नस्ल की बात है ज़ाहिर, और फिर खूबसूरत भी है, खूबसूरती देखो, खूबसूरती है ज़ाहिर वो भी चीज़ है। चलें ठीक है अच्छी बात है। अब आपको और ये चीज़ देखते हैं और बेटे हटो आगे से हटो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये कौन सी मंडी है एक और किस जगह पे लोगों को ये बताएं? ये बिलावल कॉलोनी में मंडी है जी। अच्छा अच्छा जी, फिर और थोड़ा ज़ोर से ही बोलिएगा। अच्छा अच्छा ये बिलावल कॉलोनी में मंडी है? ये बिलावल कॉलोनी। अच्छा ये बिलावल कॉलोनी कहलाती है ये? जी जी जी। अच्छा अच्छा ये बताइए कि आप जो अपने जानवर लाएँ यहीं पर रहते हैं या आप किसी और शहर से लाएँ? हम जो है ना ज़िले घोटकी में रहते हैं भाई जान, उधर से आए हैं। अच्छा कब लेके आए? हमारे को 10-15 दिन हो गए हैं इधर। अच्छा 10-15 दिन में कितने जानवर लाए थे आप? हमने लाए हैं इधर 2 ट्राली 80 जानवर लाए। 80 उनमें से कुछ बिके? उनमें बिका कोई भी नहीं है अभी तक। अभी तक कोई नहीं बिका, कोई नहीं बिका। तो लोगों का क्या है, लोग इधर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? लोग तो आते हैं घूम कर चले जाते हैं, मांगते तो हैं वो, लेकिन पुरानों रेटों पर खड़े हैं। देखिए हमारी जो वीडियो बनाने का साल में जैसे लिया है जानवर सही है, लेकिन हम लोग की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कि इस जगह पे भी कोई मंडी है। इस मंडी में मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ, कह रहा हूँ मैं कराची की पैदाइश हूँ लेकिन मैं इस मंडी में पहली दफ़ा आया हूँ, यानी नहीं पता था। अभी मैं पूछता मुझे जाना था स्माइल गोट, मुझे मैंने इससे पूछा तो उसने यहाँ का बता दिया। बहुत पुरानी मंडी है, मंडी पुरानी है लेकिन लोगों को नहीं पता है ना, इस वजह से अगर हम यहाँ पे सही रेट लगाएंगे ना जानवरों के तो लोग सोचेंगे कि हम इतनी रेट। आप भी जांच लिए होंगे, ये व्यापारी इधर जायज़ रेट मांग रहे हैं। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आपका ये ना ये भी महंगा है। अच्छा ये जो जानवर मैं आपको दिखा रहा हूँ सफ़ेद वाला, ठीक है ये बताइए कि ये कितने दांत है? ये 2 दांत है भैया। ये 2 दांत है, क्या मांग रहे हैं इसका? इसका हम मांग रहे हैं 130 भैया। कहाँ तक आखिरी करेंगे ये बताइए? ये बस 4-5 हज़ार कम होकर दे देंगे, लेकिन लाख तक नहीं हो जाएगा ये? नहीं नहीं लाख से ऊपर होगा, कम नहीं होगा भैया। कितना ऊपर हो जाएगा? ये 120 का हो जाएगा फाइनल। देखें कुछ अगर देख लेंगे अच्छी बात है कि ताकि लोग देखें कि हाँ इतना बड़ा जानवर इतने तक सस्ता मिल रहा है तो फिर आएंगे। ठीक है अच्छा इसके साथ ये अच्छा जानवर है। अच्छा आपके पास और कोई छोटा जानवर है? और तो छोटा नहीं है हमारे पास, इससे छोटा नहीं है। अरे बकरा खड़ा हुआ है, बकरा उधर दो, बकरा जो खड़ा हुआ है बड़े जानवर। बकरा है या गाय को बकरा कह रहे हो? जी गाइस जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बछड़ी है, 2 दांत है ना, बछड़ा बछड़ा है 2 दांत ये देखें। अच्छा अच्छा बताइए कि इसका क्या मांग रहे हैं? इसका 90,000 से सीधी बात नहीं, 90 तो बोल रहे हैं ना, कहाँ तक कमी होगी ये बताएं?
ये 85 का 75-80 का हो जाएगा भैया ना, यानी 70-75 तक में हो जाएगा, कोई लेने आएगा। ठीक है, अच्छी बात है गाइस। जैसे कि ये देखें, मैं आपको जानवर दिखाऊं कि भाई आप थोड़ा सा यूं लेके जाओ, फिर वापस नहीं आप इधर ही रहो, वो जानवर को कह रहा हूँ। सही है, अब लेकर आओ गाइस। हमारे इसलिए मुश्किल होती है, कहीं पीछे से गायें टक्कर मार रही होती हैं, कहीं कुछ होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है मेरी तरफ। अब बांध दें, हाँ अच्छा, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल शरीफ है मेरी तरह, हाँ बिल्कुल शरीफ है मेरी तरह, है ना, अच्छी बात है। चलें, और कोई जानवर आपके? ये बड़े वाले दिखा रहे हैं हमारे, ये बड़ा वाला जानवर है ना, ये इसका क्या मांग रहे हैं? इसके हम 3 लाख मांग रहे हैं भैया। अच्छा अच्छा, ये है कितने दांत? ये 4 दांत है। अच्छा 4 दांत है जी भैया। अच्छा तो ये देखें, मैं गाइस आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें इस तरह से, ये मैं इसको अच्छे तरह से आगे पीछे सब जगह से दिखा रहा हूँ, और 3 लाख रुपए बोल रहे हैं। अच्छा ये कौन सी नस्ल है ये जो आपने दिखाया है? ये साहिवाली है। साहिवाल है, और ये जो ये वाली है, ये भी ये हमारा सिंधी नस्ल का है भैया। सिंधी नस्ल का है, इसको थोड़ा सा पीछे किएगा ताकि वो नज़र आए। चल बैठे जरा। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको, अच्छा प्यारा खूबसूरत जानवर लग रहा है, क्योंकि पीछे से इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने जब कैमरा सही तरह किया तो इसको दिखाऊं। और मैं ये देख रहा हूँ गाइस कि गोल मटोल है पीछे से भी, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है जानवर पीछे से जो है वो इतने सेहतमंद नहीं होते, उनका सिर्फ और सिर्फ पेट निकला हुआ होता है, लेकिन ये वाले जानवर नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ऐसे घुमाऊँ यूँ करो ऐसे करके ना, हाँ यूँ, अब वापस ले आके बंद कर दो अपनी जगह। ये शरीफ नहीं है तुम्हारी तरह? मैं शरीफ बिल्कुल, अंदर ले जाओ, बात बंद कर दो। दो मतलब बोले खीरी है कोई? खीरी है, दो दो सर दो, ये अच्छा दो निकल रहे हैं, हाँ सही है, दोनों दांत हैं। हाँ जानवर है, डर रहा होता है जाहिर सी बात है। गाइस जैसे कि मैं इधर आया हूँ, मैंने इनके भी जानवर देखे और इनसे बात करते हैं कौन से हैं क्या हैं। तो जी भाई, आपके जानवर कितने हैं? मेरे 50 होंगे। 50 जो सारा है पीछे, मैं गाइस दिखाता चलूँ कि ये देखें ये जो जानवर हैं ये सारे के सारे इनके हैं। ये बड़े बछड़े, ये बड़े भी हैं बछड़े और ये छोटे भी हैं। ठीक है, और वो पीछे वाले भी? हाँ सारे बड़े हैं हमारे, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। अच्छा बेटे आगे सटना। अच्छा ये बताइए, ये जो काला वाला जानवर है जी जी, ये वाला जी जी, ठीक है, ये कितने दांत हैं? 2 दांत है। 2 दांत है जी जी। और क्या मांग रहे हैं इसका? इसका 230। 230 जी जी। कहाँ तक कमी हो जाएगी? कमी 2 का, 2 तक का हो जाएगा जी जी। मैं दूसरा जानवर दिखा रहा हूँ इनका। अच्छा बछड़ी है, ये कौन सी नस्ल है? चोलिस्तानी। हाँ, और ये साहिवाल? ये साहिवाल है। अच्छा ये बताइए कि ये जो चोलिस्तानी नस्ल है, ठीक है, ये कितने की है? ये 130 का। 130 का, और कितने दांत है वो? 2 दांत है। चल अच्छी बात है, टक्कर मारा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि मैं आपको जानवर दिखाऊं, यहाँ पे वाकई में अच्छे बड़े बड़े जानवर बंधे हुए हैं, जिस तरह के ये देख रहे हैं कि आप, इनसे मैं बात करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको जानवर भी दिखाता चलूँ, ये देखिए कि क्योंकि मैं करीब जा रहा हूँ तो ये घबरा रहा है, तो मैंने इसलिए इसके पीछे से ही करीब से इस तरह से वीडियो ले रहा हूँ कि ये आराम से ये देखें। असल में जानवर खुद भी डर होते हैं जी भाई। ये बताइए कितने दांत है? ये भाई 2 दांत है। क्या मांग रहे हैं इसका? इसका 4,20,000। 4,20,000 रुपये? ये तो कोई फिगर गलत नहीं है, 420 वाला होता है, 4,20,000 420 वाला आ गया ना, 420 वाला। तो कुछ कम करो या ज़्यादा करो? कम करेंगे कोई। कितने तक हो जाएगा? तकरीबन 3.5 तक हो जाएगा। 3.5 तक हो जाएगा। ये बात अच्छी की गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूं कि जानवर माशाल्लाह से वाकई में बहुत अच्छा है, जिस तरह से फुल भरा हुआ है, मैं आपको पीछे से भी दिखाऊं इसको। ठीक है, ये देखिए जानवर पता चलता है एक ज़ाहिर से बात है जो भरा हुआ जानवर होता है। अरे मैं उसको पीछे से दिखा रहा था, तुमने पीछे ही पीछा कर दिया। जानवर पीछे से सही नज़र आता है, जो भरा हुआ होता है ना वो पता चलता है वाकई में। ये अब बांध दो उसको, मसला नहीं। अच्छा एक ये इसको एक काम करो, इसको थोड़ा सा वहाँ से ले जाके लेकर आओ, भागने का सीन ही कुछ और होता है। ठीक है, चलो लेते हुए आओ, आ जाओ आ जाओ, भगाते हुए लाओ, भगाते हुए कुछ तो। ये देखें गाइस, उड़ी
ये वाला हाँ ये डेट का है, इसको जरूरत नहीं ऐसी, बस आप अपना बोलते रहो। ये डेढ़ लाख का, वो जो है ना हाँ वो 1 लाख का है। अच्छा, वो कितने का होगा? फाइनल 90 का होगा। अच्छा हाँ। ये गाइस जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ही देखें ये दिखा रहे हैं जानवर, ठीक है, ये कितने का होगा? वो छोटा वाला हाँ। हाँ, दो दांत का बच्चा है। अच्छा, कितना हो जाएगा आखिरी? ये फाइनल 90 का होगा। 90 का हो जाएगा जी, जी। कुछ 80-85 तक का नहीं हो जाएगा? 80-85 खर्चा वर्चा ज्यादा पड़ रहा है वो तो है, लेकिन फिर भी ज्यादा खर्चा है। जो पीछे सुपर हाईवे पे टैक्स लगा हुआ है ये। अच्छा गाइस, जैसे कि मैंने ये आपको सस्ते भी जानवर दिखाए हैं, यहाँ पे महंगे भी दिखाए हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं जो जानवर आप ये देखें, यहाँ पे बच्चे भी खड़े हुए हैं माशाल्लाह सीधे तरीके से खड़े हुए हैं। तो मुझे जब बच्चे जो शरीफ होते हैं मुझे खुशी होती है उनकी वीडियो बना के, ठीक है। अब हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अब हम मिलते हैं दूसरी जगह पर जाके, फिर इंशाल्लाह फिर नई जगह पर ब्लॉग बनाते हैं, नई जगह पर देखते हैं क्या से क्या चीज़ें हैं। तो जब तक लिए इजाज़त दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा लाइक, ज़्यादा कमेंट्स कीजिए हमें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बना देंगे, मसला नहीं, तुम्हारे पास है ना? सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बच्चा आपके साथ है? अच्छा, तो ये कैसे, ये बच्चे को आज विजिट कराने के लिए लाए हैं या कैसा लग रहा है आपको? मंडी कैसी है? मंडी अच्छी है पर महंगा बहुत है, ठंडी है मंडी भी। अच्छा, जो 1 लाख के जानवर है वो 3.5 लाख बता रहे हैं। अच्छा, तो मुश्किल है, गरीब जो है ना कहाँ से इतना पैसा लाएगी कुर्बान। गरीब कुर्बानी नहीं कर सकता, खुद कुर्बान हो जाएगा है ना। अच्छा भाई, आप अपना नाम बताइए। ओह, मैं गाय थोड़ी टक्कर मारूंगा। अदनान जी, अजान, वेरी गुड, कितना प्यारा नाम होता है ना। सुबह सुबह हमें अजान सुनने को मिलती है, 5 टाइम अजान सुनने को मिलती है। अच्छा, आप लोग बताएं आपका नाम, आपका अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसा लगा आपको ब्लॉग? ये यकीनन आपको पसंद लगा होगा, जैसे पहले हमेशा आपको अच्छा लगता है। तो ये देखिए, नई से नई हम अपने लिए मंडियाँ निकाल रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा सस्ते सस्ता जानवरों को पता चले। इसके लिए ज़्यादा से लाइक, ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा कमेंट्स किया करें ताकि हमें खुशी होती है। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, रेहान खान अजीमिया सिस्टम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।